हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। क्या आपको पता है मार्वल के टॉप 10 वेपन्स कौन से है? तो देरी ना करते हुए करते हैं चालू। तो भाई नंबर 10 पे लोकिस कैप्चर्स, जी हाँ, जो आप ने न्यूयॉर्क फाइट में देखा होगा। ये बहुत उससे मतलब लोकी ने ये किसी को भी इससे हिप्नोटाइज कर सकता है और ये अटैक भी करता है, ये ब्लास्ट भी करता है। भाई बहुत पावरफुल वेपन है, आपने इसे बहुत सारी मूवी में देखा ही होगा। ये दी एवेंजर्स में भी था। और नंबर 9 पर आता है आपका याका एरो, जी हाँ, गार्डन ऑफ द गैलेक्सी। गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के दोनों पार्ट में है ये, जी हाँ, आपने देखा होगा। ये सिंटी से बजता है, ये एरो ऐसा है कि आप इससे कुछ भी करवा सकते हो भाई। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप कुछ भी करा सकते हो भाई। आपने देखा होगा गार्डन ऑफ द गैलेक्सी में कैसे भाई पूरी बैटल को मतलब के कितने सारे आदमी होते हैं सिर्फ अपनी सिंटी से बजा। नंबर 8 पर आता है आपका कैप्टन अमेरिका शील्ड, जी हाँ, कैप्टन अमेरिका शील्ड। ये इतना पावरफुल है भाई, आपने देखा ही होगा कैप्टन अमेरिका। भाई इसकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये हर फाइट में आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका के साथ। भाई इसके बिना तो कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर हार गया था भाई। और भाई इतना पावरफुल वेपन है और इसकी इसकी मदद से वह कैप्टन अमेरिका कहीं कहीं से जब भी मारता रहता है। और ये प्रोटेक्टर शील्ड भाई इतनी पावरफुल है, वाइब्रेनियम की बनी है भाई, वाइब्रेनियम की। और इससे भाई इतनी बैटल जीती है कैप्टन अमेरिका की, बस ये थोड़ी बहुत ही टूट गई थी एंड गेम में, लेकिन भाई बहुत पावरफुल भी है भाई, वाइब्रेनियम की बनी है। ये होल्ड स्टार्क दी थी टोनी स्टार्क के पापा ने, भाई इतनी पावरफुल भी है। आपने देखा ही होगा लिफ्ट फाइट में भी कैसे इसके बिना भी ये मतलब है, लेकिन वाइब्रेनियम से इसकी चारों चांद जाते हैं। और भाई इतनी पावरफुल शील्ड है ये कि मार्वल में लोती एक शील्ड है ये, जी हाँ। कैप्टन अमेरिका व्हाट इफ सीरीज में भी आपने देखी होगी जो फैल्कन को दे दी, लेकिन फैल्कन इसका इतना मस्त यूज नहीं कर पा रहा है और ना ही जॉन वॉल्कर इसका इतना मस्त यूज कर पा रहा है जितना कैप्टन अमेरिका करता है भाई। कैप्टन अमेरिका वन इन ओनली मैन भाई, वन इन ओनली मैन कैप्टन अमेरिका, इतना पावरफुल बंदा है भाई। और इसके जैसे वो कहीं से भी कूद जाता है भाई, आपने देखा ही होगा कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से कूद जाता है भाई। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भाई एरोप्लेन से कूद गया बिना उसके, इतनी पावरफुल शील्ड है भाई ये। इसको तो बहुत ही यूनिक तरीके से वो यूज़ करता है और भाई इतनी मतलब के क्या बताऊँ आपको, इसकी बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो देरी न चाहते हुए अपन नंबर 7 पे आते हैं अपना मियोनीर, जी हाँ, मियोनीर थोर का मियोनीर जैसे कैप्टन अमेरिका भी उठा चुका है, जी हाँ। इसकी एक सबसे पावरफुल बात है कि ये सिर्फ वर्दी लोग उठा सकते हैं, इसे अभी तक कुछ ही बंदों ने उठाया है। और ये जिस पे भी होता है ऐसे भाई गॉड ऑफ थंडर बना देता है भाई, बिजली की शक्ति, बिजली के झटके देता है एंड गेम भाई। कैसे एंड गेम मजा दिला दे कैप्टन अमेरिका की एंट्री भाई, इससे मस्त हुई और थोड़ी सी कहीं फाइट जीता है। थोर 1 के पार्ट में देखो आपने एक बड़े से दानव से हरा देता है, थोर 2 में डार्क लोकी के खानदान को हरा देता है भाई, आपने देखा ही होगा। ये एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी इसकी वजह से बहुत मतलब भाई इसकी बताने की जरूरत ही है नहीं है, इतना पावरफुल वेपन है। और म्यूनीर की सबसे खास बात यह है कि उरु मेटल से बना है, जी हाँ, उरु मेटल जो सिर्फ वहाँ मिलता है। नंबर 6 पाती है अपनी थैनोस स्वॉर्ड, जी हाँ, थैनोस की स्वॉर्ड जो इतनी पावरफुल है भाई, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक के तोड़ दी भाई इस पावरफुल ने, इतनी पावरफुल है। और उसकी जैसे स्टॉर्म ब्रेकर तक को रोक पाया था भाई, इतना पावरफुल है। आयरन मैन का फुल ब्लास्ट वाला अटैक रोक पाया ये भाई, इतना पावरफुल है। इनने एक बार को तो एंड गेम में एवेंजर्स को हरा ही देता भाई अकेली शील्ड ने, डबल शोर्ड शील्ड। नंबर 5 पाती है अपने डार्क होल्ड बुक, जी हाँ, ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी आपने देखी होगी और बहुत सारी इसके एंट्री हो चुकी है मतलब के मार्वल में। और ये इतनी पावरफुल है, इनने तहलका मचा दिया। और अभी भाई कॉमिक्स में तो बहुत पावरफुल दिखाई है और इसका चित्र अभी तक यूज़ भी नहीं हुआ है, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि ये अगाथा को रोकने की कोशिश कर रही है वांडा भाई, इतनी पावरफुल डार्क होल्ड बुक है। कि नंबर 4 बात है अपनी थंडर बोल्ट, जी हाँ, थंडर बोल्ट ही इतनी पावरफुल है कि आपने थोर 11 थंडर में देखी होगी, जी उसके छाते चीर देता है इससे और एक कोर को फैट देता है, ये इसमें लाइट देता है, ये कहीं भी मतलब कि आप कहीं भी कर लो इसके दौड़ सकते हैं बेल्ट के भाई, इतनी पावरफुल बेल्ट है। और इस बेल्ट से इनने गोर को भाई गोर की तलवार का सामने किया था, इस बेल्ट से इतने पावरफुल बेल्ट है। थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर होने के बाद भी लेकिन थोर ने इसका यूज़ किया था भाई, इतनी पावरफुल बेल्ट है भाई, एक कसम से कह रहा हूँ भाई, बहुत पावरफुल बेल्ट है। बात है अपने जी सेंची द टेन रिंग्स, जी हाँ, ये इतनी पावरफुल रिंग्स है भाई। सेंची मूवी आपने अब देखा ही होगा
भाई ये बहुत पावरफुल है, म्योनियर के बराबर की एबिलिटी होगी भाई इसमें म्योनियर की। सेंचुरी में कैसे इसके पप्पा ने इसको दी, इसके खानदान ने इसको दी, लेकिन भाई इतनी पावरफुल रिंग है ये कि किसी को भी एकदम को हरा देती है भाई। इतनी पावरफुल है भाई टेन रिंग्स। जी हाँ टेन रिंग्स कमाल आप, ये पाँच एंगल एक हाथ में पहचो, पाँच एक हाथ में पहनो, लेकिन पावरफुल इतनी है कि कुछ भी अटैक कर सकते भाई, किसी को भी एक बार को हरा सकती है भाई, कितनी ही पावरफुल होता है ना, जैसे आदमी को भी रोक सकती है। तो अब चलते हैं अगले नंबर पे, अपने नंबर दो पर आते हैं। जी हाँ अपने नंबर दो पर स्टॉर्म ब्रेकर। जी हाँ स्टॉर्म ब्रेकर भाई, इन्फिनिटी वॉर की एंट्री कैसे आदमी होगी भाई, ये इस एंट्री ने तो लोगों की जुबान पर भाई सीट से खड़ा होने को मजबूर कर देता है। हॉल में इतनी पावरफुल एंट्री दी थी स्टॉर्म ब्रेकर से भाई, भाई इसने सिक्स इन्फिनिटी स्टोन को झेला है, इतनी पावरफुल है। अगर ये इसकी खोपड़ी में मारता ना थैनोस की, तो थैनोस भी कहता भाई झूठ के बजाते हुए, इस झूठ के बजाने की जरूरत ना पड़ती भाई। इतनी पावरफुल स्टॉर्म ब्रेकर है ये, आपने देखा होगी एक मून की पावर से बना है, और ये मून की पावर पिघलने लगी इस मेटल को, बिना मून की पावर कुछ भी नहीं था भाई ये स्टार की पावर से। और भाई नंबर एक पता है अपना इन्फिनिटी स्टोन। जी हाँ इन्फिनिटी स्टोन जिसने पूरी दुनिया को एक बार में मिटा दिया भाई, आधी दुनिया मिटा दी थी एक बार में छुटकी बजाती, इतनी पावरफुल है भाई इसके।